सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ओवर स्मार्ट, और मैं हूं आपके साथ सादिक अख्तर। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो होने वाला है वो है विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर। सो फ्रेंड्स, जो भी नए प्रोग्रामर है उन्हें मैं वेलकम करता हूं इस सीरीज तो नहीं, इस सिर्फ अकेला वीडियो में, जहाँ पे मैं उन्हें बताऊंगा कि विजुअल स्टूडियो कोड में आपको एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम होती होगी जिसके कारण आप इस वीडियो में भी आएँ। सो मेरा यहाँ पे आप वॉलपेपर पे देख सकते हैं कीप काम एंड लव प्रोग्रामिंग, क्योंकि मैं आज प्रोग्रामिंग के ऊपर ही वीडियो बनाने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं बता दूँ कि जो भी नए प्रोग्रामर्स रहते हैं वो, अगर मैं मेनली बात कर लूँ सिर्फ वेब डेवलपमेंट के बारे में, ब्रैकेट में डाल देता हूँ वेब डेवलपमेंट को, क्योंकि वेब डेवलपमेंट में ही हम, क्योंकि यूट्यूब में हम वीडियो देखते हैं, बहुत सारे लोग हमें वेब डेवलपमेंट सिखाते हैं, बीट HTML, CSS, JavaScript, React.js, AngularJS, Node.js, ब्ला 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 कुछ भी सिखाते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि वो अपना जो भी काम होता है वो नोटपैड में नहीं, नोटपैड प्लस प्लस में नहीं, या कोई भी अदर टेक्स्ट एडिटर में या किसी भी किसी और जगह पे नहीं करते। वो अपना जो भी कोड लिखते हैं वो लिखते हैं VS कोड में, यानी विजुअल स्टूडियो कोड में। तो वह ऐसा क्यों करते हैं भाई, उनका ऐसा करना जायज़ भी है, मैं भी उन्हें सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आपको काम करना बहुत ही आसान है, क्योंकि वह आप इजीली एक्सटेंशन और अन्य लाइब्रेरी को बहुत ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं एट अ सेम प्लेस। और बाकी सब जगह क्या होता है, आप जैसे अगर नोटपैड प्लस प्लस में काम कर रहे हैं, आपको अगर कोई एक्सटेंशन डाउनलोड करना है तो भैया क्रोम में जाओ, एक्सटेंशन डाउनलोड करो, उसको रन करो, उसको सेटअप में जाओ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा करना पड़ता है। पर विजुअल स्टूडियो कोड में आपको एक ही जगह, बस वहाँ पे सर्च का ऑप्शन रहता है, आप उसके अंदर जाइए, उस एक्सटेंशन का नाम लिखे और सीधा वहाँ पे डाउनलोड हो गया। तो जस्ट ये बहुत ही अच्छा हो जाता है काम। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला जो प्रॉब्लम होता है विजुअल स्टूडियो कोड में वो ये होता है कि जो लोग भी रहते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में आते हैं इसलिए क्योंकि उन्हें वहाँ पे अपने सर्वर को लाइव करना है, पर यहाँ पे सर्वर लाइव नहीं होता है। जब हम शुरू शुरू में विजुअल स्टूडियो कोड में आते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा सर्वर लाइव तो हो ही नहीं रहा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, मान लीजिए कि ये हमारा प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम हम लिखते हैं, यहाँ पे छोटा सा प्रोग्राम लिखा है मैंने कि बॉडी के अंदर लिख दिया ओवर स्मार्ट बैसादी करता और हेलो लिख के रखा है हमने, तो यहाँ पे देखा कि हमने यहाँ पे तो भाई लाइव का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, पर हमने यूट्यूब में वीडियो देखा था तो वहाँ पे तो लाइव का ऑप्शन आ रहा था। तो यहाँ पे मामला क्या है, यहाँ पे मामला ये है कि हमारा जो लाइव सर्वर होता है, लाइव सर्वर को चाहिए एक पाथ और हमने पाथ प्रोवाइड करके नहीं रखा है। तो लाइव सर्वर आप समझ लीजिए क्या होता है, लाइव सर्वर बेसिकली ये होता है कि आपको, आप हैं विजुअल स्टूडियो कोड में, आपको जाना है अपने वेब ब्राउजर में कि भाई मैंने जो जो काम किया वेब ब्राउजर में जाके मुझे दिखेगा कि हाँ मैंने ये काम किया, पर वो बीच का रास्ता कहाँ है जहाँ पे आपको चल के वहाँ तक जाना है, इसी बीच के रास्ते को पाथ कहते हैं। समझ में आया आपको, विजुअल स्टूडियो कोड में आप हैं, जाना वेब ब्राउजर में है, बीच का पाथ ही नहीं मालूम है, बीच का रास्ता ही नहीं मालूम है, तो पहुँचिएगा कहाँ से। तो यही इसके साथ हो रहा है। अगर मैं फिर भी मैं आपको करके दिखाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ नीचे ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ, तो ये पॉपअप देता है कि ओपन विद द फोल्डर और वर्कस्पेस, मतलब भैया मुझे पाथ तो बताओ। तो चलिए आपको समझ में आ गया कि प्रॉब्लम क्या था, आप अपना पाथ प्रोवाइड नहीं कर रहे थे। तो पाथ को प्रोवाइड करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली आपका जो भी प्रोग्राम है, थोड़ा मैं स्पीड में जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप अपना जो स्पीड है उसे थोड़ा सा स्लो कर लेना, जो भी होता है ठीक है, थोड़ा सा स्लो कर लेना, फिर भी मैं स्लो जाने की कोशिश करता हूँ। आपको करना क्या है, आप जहाँ पे भी अपने प्रोग्राम पे लिखे हैं, जहाँ पे भी अपने प्रोग्राम को लिखे हैं, उस फोल्डर को आपको इस विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन करना है। इसका मीनिंग क्या हुआ, जैसे कि मैंने ये प्रोग्राम my.html अपने एक फोल्डर नेम फिफ्थ सेम के अंदर रखा हुआ है, तो मुझे करना क्या है, और ये देखिए कि मेरा यहाँ पे फोल्डर खुला हुआ नहीं है, तो मुझे करना क्या है, सिंपली आप अपर लेफ्ट में जाइए, वहाँ पे दिखेगा आपको फाइल पे क्लिक कीजिए, मेरे कर्सर को ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कर्सर ही से मैं सब कुछ बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए फाइल है, फाइल में जाके आपको करना क्या है, ओपन फोल्डर, ठीक है, ये आपका चौथा ऑप्शन है ऊपर से, ओपन फोल्डर पे क्लिक कीजिए। ओपन फोल्डर होने के बाद आपका जहाँ कहीं पे भी फाइल है, जहाँ कहीं पे भी आपका ये प्रोग्राम है, प्रोग्राम लिखा हुआ, उस फोल्डर को, ठीक है, जहाँ कहीं भी आपका प्रोग्राम लिखा हुआ है उस फोल्डर को ओपन कर दीजिए। मेरा फिफ्थ सेम के अंदर ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये फाइल प्रेजेंट है, तो मैं ये सिलेक्ट फोल्डर करता हूं, तो आपका क्या होगा, विजुअल स्टूडियो कोड अब एक नए सिरे से उस फोल्डर के साथ, यानी उस पाथ के साथ पूरा का पूरा खुलेगा। तो फ्रेंड्स टना, आप देख सकते हैं यहाँ पे गो लाइव का ऑप्शन आ चुका है, ये कितने ही इजीली हमने इसे ठीक कर लिया फ्रेंड्स। तो गो लाइव का ऑप्शन के साथ आप, हो सकता है कि बहुत दिन से करते होंगे कि भाई ये तो YouTube में दिखा रहा हूँ उनका गो लाइव हो रहा है, मेरा गो लाइव क्यों नहीं हो रहा है। गो लाइव करने से फायदा क्या होना है दोस्तों, आप यहाँ पे जो कुछ भी लिखेंगे साइड बाय साइड आपका वेब ब्राउजर में वो चेंजेस अपने आप होते रहता है बिना सेव के, तो इजीली आप देख सकते हैं कि हाँ भाई मैं ये कर रहा हूँ तो इसका क्या हुआ, ये कर रहा हूँ तो इसका क्या हो रहा है, इसलिए गो लाइव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फ्रेंड्स आपने देखा ना कि आप तो पाथ ही नहीं प्रोवाइड कर रहे थे, पाथ प्रोवाइड करना कितना आसान है, लग रहा है पाथ क्या होता है, लेकिन करना कितना आसान था, हमें फाइल में जाना था, फाइल में जाने के बाद ओपन फोल्डर करना था और उस फोल्डर को ओपन करना था जहाँ पे हमारा फाइल है। अब मैं आपको गो लाइव करके भी दिखा देता हूँ, या तो आप यहाँ पे गो लाइव को डायरेक्टली, फिर से देखिएगा मेरा कर्सर को, गो लाइव पे डायरेक्ट क्लिक कीजिए या राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर कीजिए, तो इससे क्या होगा आपका एक ब्राउजर खुल जाएगा। देखिए मेरा सर्वर खुल चुका है और यहाँ पे मेरा देखिए एक ब्राउजर खुल चुका है, यहाँ पे लिखा हुआ ओवर स्मार्ट बाय सादिक अख्तर हेलो। सो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करता हूँ, आपको दिखाता हूँ लाइव सर्वर का फायदा क्या होता है। मान लीजिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ हेलो और साथ में लिख देता हूँ
बाय। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने यहाँ पे बाय लिखा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे वेब ब्राउजर में भी बाय लिखा गया। सो फ्रेंड्स, यही फायदा होता है आपका लाइव सर्वर से। लाइव सर्वर में आप काम भी करते जाइए और साथ साथ अपने प्रोग्रेस को भी देखते जाइए, इसलिए भी लोग VS कोड को यूज करते हैं। पर VS कोड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था ओपन विथ लाइव सर्वर, आज हम उसे सॉल्व कर चुके हैं। तो इसके लिए एक थम्स अप तो बनता है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को उन प्रोग्रामर्स तक पहुंचाइएगा जो VS कोड के साथ और VS कोड के लाइव सर्वर के साथ अभी तक अटके हुए हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए तो इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।